हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, विटामिन सी सीरम के बारे में हम आज ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, शायद आपने पहले सुनी ना हो, या ऐसी गलतियां जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं और फिर आपको पछताना पड़ता है कि मैंने 500 की बॉटल ले ली, मैंने 600 की बॉटल ले ली, लेकिन मेरी स्किन तो पहले से खराब हो गई। हम लोग ब्लेम कर देते हैं विटामिन सी सीरम को कि हाँ, ये कुछ काम की नहीं है, ये तो ऐसी है, इसने मेरा चेहरा काला कर दिया, मेरा चेहरा ऑरेंज हो गया, मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं रहा। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि कहीं ना कहीं हम ही ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हैं। कुछ ज्यादा पाने के चक्कर में, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लो पाने के चक्कर में हमने कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी कर दी है कि विटामिन सी का अच्छे से हम अपनी स्किन को फायदा नहीं दिला सके इतना पैसा खर्चने के बावजूद। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप विटामिन सी सीरम यूज करते हैं, लगाना शुरू करते हैं, अपने रूटीन में लेके आते हैं, तो दूसरी चीज आपको अपने रूटीन में शामिल करनी होती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मस्ट है। विटामिन सी सीरम यूज करने के बाद अगर आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, आप सन के एक्सपोजर में आने वाले हो, तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं, क्योंकि विटामिन सी जितनी ही हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है ना, उसमें एक कमी होती है कि वो ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाती है। अगर हम सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाते हैं विटामिन सी यूज करने के बाद, तो हमारी स्किन ऑरेंज पड़ सकती है, रेड पड़ सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी स्किन पे काले काले धब्बे हो जाएं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको सीरम यूज करने के बाद सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है। नेक्स्ट, विटामिन सी सीरम को कभी भी किसी अनदर सीरम के साथ यूज ना करें। ऐसा ना हो कि आपने कोई सीरम पहले यूज कर रखी थी, या मान लीजिए आपने कोई ऐसी क्रीम अपने रूटीन में शामिल कर रखी है जिसमें रेटिनोल हो, नायासिनामाइड हो। विटामिन ए जो है वो रेटिनोल से मिलता है, नायासिनामाइड से हमें विटामिन B3 मिलता है, दोनों ही बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। और जब हम विटामिन सी सीरम के साथ इसे लगा लेते हैं, विटामिन सी सीरम बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें है, तो ये आपस में क्या करते हैं कि एक, मान लीजिए सिंपल सी भाषा में, आपस में जुड़ गए तो एक दूसरे की खूबियों को कर देते हैं खत्म। तो हमें कोई भी जो है वो अच्छा बेनिफिट विटामिन सी सीरम से नहीं मिलता है। इसलिए आप जब भी विटामिन सी सीरम अप्लाई करते हैं, तो जो भी आप मॉइस्चराइजर लगाने वाले हैं उसके बाद, कोई भी सीरम लगाने वाले हैं उसके साथ, या कोई भी ऐसी मेडिकेटेड क्रीम ले रहे हैं अपनी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो उसके इंग्रेडिएंट को ध्यान से पढ़िए। उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट एक्टिव नहीं होना चाहिए जो विटामिन सी के साथ रिएक्ट करके आपकी स्किन की धज्जियां उड़ा दे। नेक्स्ट गाइज, हम क्या करते हैं कि अब सर्दियां आ गई हैं, विटामिन सी सीरम तो हमें यूज करनी ही करनी है, तो हमारी स्किन ड्राई हो गई, तो हमने क्या किया, अपने स्किन रूटीन में कोई एसेंशियल ऑयल डाल लिया। तो विटामिन सी सीरम के साथ आपने कोई भी एसेंशियल ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप सिंपल जो बादाम रोगन आता है दैट यू कैन यूज, आप एक्टिव जो आपके पास आर्गन ऑयल है आप वो यूज कर सकते हो, लेकिन वो एसेंशियल नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो अपनी स्किन के लिए, कोई कोल्ड क्रीम यूज कर सकते हो अपनी स्किन के लिए, लेकिन आपको उसके इंग्रेडिएंट को अच्छे से पढ़ना है। उसमें कोई भी ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से क्या होगा कि विटामिन सी उस तरह से काम नहीं करेगी। विटामिन सी सीरम जब आप यूज करते हो, तो उसे एक उसका पर्टिकुलर प्लेस रखो, उसे कभी भी ऐसे कमरे में, ऐसी जगह पे ना रखो जहां पे डायरेक्ट सन की रोशनी पड़ती हो, या वो कमरा जो है गर्म रहता हो, ऐसी जगह पे ना रखो। सिंपल सी बात है, अगर आप विटामिन सी सीरम यूज कर रहे हो तो उसे फ्रिज में स्टोर करके रखो, बहुत ही इजी तरीका है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते, जैसे सर्दियों में मैं नहीं कर पाती हूँ, तो क्या होता है, क्योंकि ठंडी ठंडी सीरम हो जाती है, फेस पे लगानी डिफिकल्ट हो जाती है, तो इसका इजी सा सोल्यूशन ये है कि आप उसको कहां पे रख सकते हो, आप उसको ऐसे कमरे में रखिए जहां पे डायरेक्ट सन की रेज ना पड़ती हो, वो कमरा बहुत ज्यादा गर्म जो है वो ना रहता हो। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी सीरम बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो येलो कलर में टर्न हो जाती है, वो ऑरेंज कलर में टर्न हो जाती है। जैसी आप अगर सीरम ऐसी ले आए हो, तो इट मीन्स वो पहले ही ऑक्सीडाइज हो चुकी है। तो आप उसको खरीदते टाइम पे भी ध्यान रखो, वो ट्रांसपेरेंट कलर की होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा कलर नहीं आना चाहिए, येलो नहीं आना चाहिए, ऑरेंज नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो पहले ही बिगड़ी हुई है, आपकी स्किन को क्या फायदा देगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट गाइज, मैं सबसे ये चीज बोलती हूँ, अपने कस्टमर से मैं ये चीज बोलती हूँ, कोई भी आप अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट लेते हो ना, उसे खरीदना बहुत ईजी होता है, हम उसे खरीद लेते हैं, लेकिन उसके साथ कंसिस्टेंस रहना, रेगुलर रहना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो वही आपको काम करना है, जब भी आप स्किन रेज्यूम में कोई भी विटामिन सी सीरम लेके आए हैं, या कोई भी अनदर सीरम, कोई भी क्रीम लेके आए हैं, तो उसके साथ कंसिस्टेंट रहें। सुबह शाम जिस तरह से उसकी
प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह से उसकी इंडक्शंस हैं कि किस तरह से आपको यूज करना है, आप उसी तरह से करें, नहीं तो आपको उनके पूरे फायदे नहीं मिल पाते। इसलिए विटामिन सी सीरम अगर आप सुबह यूज कर रहे हैं उसके साथ आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, रात को भी आपको यूज करनी है उसके साथ। जो भी आप नाइट क्रीम यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, उसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल, कुछ भी ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखना है, जब भी आप मार्केट से किसी भी ब्रांड का विटामिन सी सीरम खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसकी कॉम्पोजिशन कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 2% से लेकर 20% तक होनी चाहिए, ना इससे नीचे ना ऊपर। आजकल क्या है, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, नए नए ब्रांड आ गए हैं, वो अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए क्या करते हैं, विटामिन सी सीरम पे लिख देते हैं ये 30 से 40% है, ये 25 से 45% है, वो आपको बाय नहीं करनी है। हमारी स्किन का भी एक दायरा होता है, कौन सी चीज को ये अब्सॉर्ब कर सकती है, कितना कर सकती है, तो हमारी स्किन जो है वो 2% से लेके 20% तक विटामिन सी सीरम को अच्छे से अपनी स्किन में अब्सॉर्ब कर सकती है, तो आप वो ले सकते हैं। विटामिन सी सीरम वेरी गुड, वेरी गुड, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करती है, आपके कोलेजन को बूस्ट अप करती है, आपकी स्किन पे ग्लो लेके आती है, पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस हो उनको दूर करने में आपकी हेल्प करती है, कोई भी दाग धब्बा आपकी स्किन पे है उसको दूर करने में आपकी हेल्प करती है। लेकिन आपको जो मैंने गलतियां बताई हैं वो नहीं दोहरानी है, तभी आप विटामिन सी सीरम का पूरा फायदा ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। इस वीडियो में मिलती हूँ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।